मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपको सेवन्थ क्लास में क्या कराऊंगी उसके विषय में बताऊंगी। यानी कि आज का जो है सेवन्थ क्लास में महाभारत टेक्स्ट बुक जो चल रही है आपकी काफ़ी दिनों से, तो उसमें जो है आज हम अध्ययन कराएंगे 38 लेसन जो कि अंतिम पड़ाव पे है और सभी की जो है मृत्यु महाभारत के युद्ध में हो चुकी होती है और उसके बाद जो है युधिष्ठिर की वेदना यानी कि युधिष्ठिर का दुख क्या है। तो जैसे आप सभी को मालूम है कि युधिष्ठिर का जो बड़ा भाई था वो कर्ण था और कर्ण का जो है उन्हें युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के जो है अन्य भाइयों को मालूम नहीं था कि कर्ण जो है हमारा भाई है और ये कुंती पुत्र है। तो जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है तो रात में कुंती कर्ण की जो है लाश के पास जाती है जहाँ पर कर्ण कुरुक्षेत्र में पड़े हुए थे युद्ध भूमि में, तो वहाँ पर जो है कुंती रात को जाती है और बहुत विलाप करके रोती है कर्ण की शव को देखकर। तो कुंती से यानी कि उनको वरदान मिला हुआ था कुंती को कि जो है एक मुनि ने, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उसने उनको जो है आशीर्वाद दिया था कि आप जो है पुत्रवती होंगे। तो उस समय जो थी कुंती की शादी नहीं हुई थी, कवारी थी उस टाइम पर। तो पहले जो है सूर्य के प्रताप से तो कुंती ने सोचा कि मैं इस वरदान को अजमा कर देखूं कि ये सही है कि गलत है। तो कुंती जो है उस वरदान को अजमा कर देखती है और वो सूर्य से प्रार्थना करती है, एक सूर्य जैसे पुत्र की कामना करती है। तो जब तक कुंती की शादी भी नहीं थी तो सूर्य के प्रताप से जो है कुंती गर्भवती हो जाती है, क्योंकि पहले जो थे ये आशीर्वाद और श्राप माने जाते थे, चलते थे। अगर कोई ऋषि मुनि किसी को श्राप दे देता था तो वो भी पूर्ण होता था। तो ये जो है ऋषि के द्वारा कुंती को जो है आशीर्वाद दिया गया था और उस आशीर्वाद के प्रताप से जो है कुंती को कर्ण पुत्र हुआ था। तो वो बात जो है छुपाते हुए लोक लज्जा की वजह से कि लोग मुझे जनता क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, समाज के डर की वजह से जो है कर्ण को उसने एक संदूक में यानी कि बक्से में बंद किया, छोटे मासूम बच्चे को, नवजात बच्चे को, और गंगा की लहरों में बहा दिया। तो जैसे ही आगे एक दंपति मीन्स जोड़े ने, पति और पत्नी, दंपति जोड़े ने जो है नीमा और ने इसको जो है देखा कि एक संदूक बहता हुआ आ रहा है। तो बहते हुए संदूक को देखकर जो है उस राधा जुल्हाए ने और राधा ने उसकी, तो उसने जो है उसको निकाल लिया गंगा से और उसका उसमें देखा उन्होंने बहुत ही सुंदर बालक, उसके माथे पर जो था सूर्य का तेज था, उसका माथा जो था सूर्य की तरह चमक रहा था। तो उन दोनों ने, जुल्हाओं ने जो है इसके पालन पोषण किया, किसका, कर्ण का। तो जैसे जैसे कर्ण बड़ा होता गया था तो इसका जो है नाम देने वाला, इसको सब फबत्तियाँ कसते थे कि किसी तुम्हारे जो है माता पिता का पता नहीं तो तुम्हारे परवरिश ये कर रहे हैं, इस तरीके से इसको जो है फबत्तियाँ कसी जाती थी कर्ण को। यहाँ तक कि भीष्म पितामह ने भी इनको एक बार सभा में जो है इनकी जो है उस पर बात की थी कि आप किसके पुत्र हो, आप पहले आप अपने पुत्र का जो है अपने पिता का नाम बताइए, कर्ण ने भी ये कहा था। तो उसमें जो है कर्ण कुछ बोल नहीं पाते। तो इस प्रकार जो है कर्ण को सहारा देने वाले यानी कि दुर्योधन ने इनको अभिन्न मित्र माना था और उनके कहने पर, सभा में कहने पर कर्ण को जो है दुर्योधन ने अंग देश का राज्य दे दिया था, यानी कि अंग देश का राजा घोषित
कर दिया था। तो अंत में जैसे युद्ध का मालूम होता है कि युद्ध होने वाला है, तो कुंती जो है, कुंती यानी के वो कर्ण के पास जाती है और कर्ण से प्रार्थना याचना करती है कि आप दुर्योधन का साथ छोड़ दे, कौरवों का साथ छोड़ दे और अपने भाइयों में जा मिले। वे तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें सिर पर रखेंगे और तुम्हारा जो है एक तरीके से इज्जत भाव करेंगे, तो आप ऐसा ना करें कि कौरवों की तरफ से युद्ध ना करें। तो उस समय जो है बेटा कर्ण कहते हैं अपनी माता से कि मुझे जो है इस समय, यानी कि मेरे जो मित्र ने मुझे अपनाया है, जो कि उस समय किसी ने भी नहीं अपनाया था मुझे, और मेरे मित्र ने मुझे अंग देश का राजा भी बनाया था और अपना मित्र कहकर संबोधित किया था, तो मैं उसका इस विपत्ति में साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। तो माता कुंती उनको विनय प्रार्थना करती रही, लेकिन कर्ण जो था अपनी बात पर अड़िग रहा और उन्होंने कहा, माते अगर आप चाहती हैं तो आपके 5 ही पुत्र रहेंगे, या तो मैं मरूंगा या अर्जुन मारा जाएगा, आपके गिनती में जो है 5 पुत्र अवश्य रहेंगे, मैं बाकी भाइयों को कुछ भी युद्ध में नहीं कहूंगा। तो जैसे बेटा आपने लेसन 36 में पढ़ा था कि भीम जो है निस्वस्त्र हो गया था, उसके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं थे और जो है उस कर्ण जो है उस समय उस पर हमला कर सकता था, उसी समय उसको मार भी सकता था, लेकिन वो माता के वरदान से वंचित था। माता को जो वरदान दिया था कर्ण ने, तो उसको यानी के निभाते हुए उसने भीम को नहीं मारा था, ठीक है। तो उसमें जो है उसके बाद घटोत्कच युद्ध में आया था और एक इंद्र जो था, इंद्रबाण था, इंद्र का दिया हुआ एक बाण था, एक शक्ति थी जो वो अर्जुन के लिए उसने बचाकर रखा था। तो अचानक जैसे अभिमन्यु की मृत्यु होती है, नहीं घटोत्कच से पहले जो है किसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि उससे पहले जो है, तो उस पर जो है यानी कि पांडवों पर भारी आक्रमण हो रहा था और उस समय जो है घटोत्कच सामने आ जाते हैं। तो घटोत्कच ने जो है युद्ध भूमि में इतना आक्रमण जो है आक्रमण किया कि सारी कौरव सेना थर्रा गई थी, यहाँ तक कि कर्ण भी जो है थर्रा गया था। और उसने जो है उस समय इंद्र की दी हुई शक्ति, जो धनुष बाण था या जो भी था, वो उस पर चला दिया, किस पर, घटोत्कच पर। तो उससे जो है अर्जुन सुरक्षित हो गया था, यानी कि अर्जुन के लिए जो अस्त्र बचाकर शस्त्र बचाकर रखा हुआ था, तो वो उसने जो है उसका प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया था। उसके बाद जो है दोनों अर्जुन में और कर्ण में जो है भयानक युद्ध होता है और उस भयानक युद्ध में जो है कर्ण का पहिया कीचड़ में धस जाता है और वो अपने अस्त्र शस्त्र रखकर कहता है कि मुझे अपना पहिया निकालने दो। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो है अब रुकना नहीं है, अपना काम करिएगा। और जो है अर्जुन इस प्रकार निहत्ते कर्ण पर जो है बाणों की वर्षा कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है बेटा कर्ण युद्ध भूमि में मारा जाता है, यानी कि रथ का पहिया निकालते हुए। तो इस प्रकार जब वो रात को यानी कि युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए थे, उसके सभी लगभग साथी मारे गए थे, दुर्योधन ही शेष बचा था, सुथामा और एक दो यानी के कृतवर्मा और जो है कृपाचार्य ही शेष बचे थे। तो कर्ण जो है युद्ध भूमि में पड़े था, तो उसके बाद जो है उनकी माता कुंती चारों तरफ देखते हुए कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, तो युद्ध भूमि में जाती है और वो वहाँ पर क्या देखती है
कि कर्ण को जो है अब उसका सिर अपने पैर पर रख के और फूट फूट कर रोने लगती है। तो उसके कुंती के पीछे जो है पांडव, पांचों पांडव भी उसको ढूंढते हुए निकल पड़ते हैं कि माता किधर गई है, उसको देखते हुए निकल पड़ते हैं। तो जब विलाप कर रही होती है तो युधिष्ठिर वहाँ पर जाते हैं तो वे कहते हैं कि माते आप शत्रु के शव पर विलाप कर रही हैं। तो कुंती जो है उस समय बोलती है कि ये शत्रु नहीं है, ये तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता है। यानी कि युद्ध की समाप्ति पर पता चलता है कि कर्ण युधिष्ठिर और जो है कर्ण अर्जुन का भाई है। तो उस समय जो है युधिष्ठिर एक श्राप देते हैं जो कि आज तक मान्य है कि औरत जाति के अंदर जो है कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी। तो युधिष्ठिर जो है स्त्री जाति को ये श्राप देते हैं और यही आज तक चल रहा है कि स्त्री के अंदर जो है कोई भी बात नहीं रहती, वो एक दूसरे के सामने बोलती फिरती हैं। देखा हुआ? तो ये श्राप जो है युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया। तो इसमें जो है युधिष्ठिर की वेदना के बारे में ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कहाँ से कैसे क्या था। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों व कृष्ण सहित रोती बिलखती स्त्रियों के समूह को जो है पार करते हुए धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। किसके पास पहुँचे? धृतराष्ट्र के, क्योंकि बेटा कौरव की तो मृत्यु हुई हुई थी लेकिन जो हस्तिनापुर के सैनिक मारे गए थे तो उनमें जो है पूरे हस्तिनापुर में हाहाकार मची हुई थी। तो इसमें कहा ना जैसे रोती बिलखती स्त्रियों के समूह को जो है पार करते हुए धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। कौन? युधिष्ठिर। धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया परंतु श्री कृष्ण ने भीम के जैसा एक लोहे का पुतला धृतराष्ट्र के आगे कर दिया, क्योंकि भीम ने जो है दुशासन की छाती पाड़ कर जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को दिखाया था सब कुछ अपनी दृष्टि से, तो भीम ने ये कसम खा रखी थी कि द्रौपदी के जो चीरहरण हुआ था, बालों को खींचकर उसमें लाया गया था सभा में, तो उसमें जो है भीम ने कसम खाई थी कि मैं दुशासन की छाती का लहू से जो है आपके बाल धुलवाऊंगा। तो इस प्रकार जो है धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति काफ़ी वेदना थी, गुस्सा था एक तरीके से कि मैं इसको एक बार ऐसे कोड़ी में करूँगा, इसको ऐसे ख़त्म कर दूँगा, समझ रहे ना, ऐसे बंद कर दूँगा। तो श्री कृष्ण जी तो सभी के भाव को जानते थे, मन के भाव को जानते थे, तो श्री कृष्ण जी ने जो है एक लोहे का पुतला भीम का बनवाया और जैसे ही धृतराष्ट्र ने भीम को आगे जैसा कहा कि भीम को जो है मेरे गले, भीम पुत्र मेरे गले मिल जाए एक बार ऐसे, तो उसके सामने जो है वो लोहे का पुतला धृतराष्ट्र के आगे कर दिया जो भीम का लोहे का पुतला बनवाया था। तो धृतराष्ट्र ने उस पुतले को भीम समझकर जोर से छाती से लगाकर कसकर कुचल डाला, यानी कि लोहे को भी उसने कुचल दिया, इतनी उसके अंदर ताकत और गुस्सा था जो उस टाइम। मूर्ति चूर चूर हो गई। धृतराष्ट्र यह सोचकर दुखी हुए कि उन्होंने भीम को मार डाला, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि जिसे उन्होंने चकनाचूर किया है वह लोहे की मूर्ति थी, भीम अभी जीवित है। क्योंकि उसके 100 पुत्र मारे गए थे तो गुस्सा भी था लेकिन उसने कभी अपने पुत्रों को रोका भी नहीं था, उनकी मनमानी करते रहे थे। तो भीम जीवित है यह सुनकर धृतराष्ट्र का शोक जो है, शोक यानी के दुख थम गया। धीरे धीरे उन्होंने अपना क्रोध भी शांत कर लिया।
इसके बाद पांडव गांधारी के पास गए और गांधारी के शोक को देखकर अर्जुन डर गया, क्योंकि वो भी एक माँ थी और माँ के सारे पुत्रों का उसके आंखों के सामने मृत्यु हो जाना तो ये भी उसके लिए एक दुखद घटना थी। तो जो है सारे पांडव गांधारी के पास गए और गांधारी के शोक को देखकर, उसके दुख को देखकर अर्जुन डर गया। परंतु गांधारी ने उन्हें धीरे धीरे अपने क्रोध व शोक को शांत कर लिया तथा पांडवों को आशीर्वाद व द्रौपदी को सांत्वना दी। सांत्वना एक तरीके से उनको आशीर्वाद दिया और उनको जो है शांत किया। युधिष्ठिर के मन में पश्चाताप की भावना जागृत हुई, क्योंकि उनके गुरुजन, पितामह दुर्योधन, दुशासन, अपना परिवार तो होता ही है, दुख तो होता ही है जब अपनी आंखों के सामने ऐसे। लेकिन दुर्योधन जो था अड़िगदा, वो मान ही नहीं रहा था कि एक कुल का नाश होगा, तो सारे इनका जो है पांडवों का एक तरीके से वंश ही खत्म हो गया था, एक अभिमन्यु का पुत्र ही परीक्षित बचा था, तो यानी कि सारे वंश का एक तरीके से सर्व ही नाश हो गया था। महाभारत का युद्ध, जिसका नाम ही महाभारत, यानी कि अपने ही वंश को ख़त्म कर दिया अपने ही वंश ने एक जमीन भूमि पर। लेकिन कौरवों ने पांडवों के प्रति, आपने देखा ही होगा, अत्याचार काफ़ी किए थे, तो सहन शक्ति यानी कि ख़त्म हो गई थी, सहने की शक्ति। बार बार उनको कभी लाक्ष्य ग्रह बनाया गया, आग लगा दी गई, वहाँ से भी वे बच गए। फिर उनको अज्ञातवास दिया, 12 वर्ष का वनवास दे दिया, 1 साल का अज्ञातवास दे दिया। तो पांडवों ने जो है विभिन्न कष्ट सहे हैं और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। युधिष्ठिर के मन में पश्चाताप की भावना जागृत हुई, यानी कि जागी, और वह उन्होंने वन जाने का निश्चय कर लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया, राजकाज सब कुछ एक तरीके से, सब वंश का नाश हो गया, यानी कि 5 पांडव, द्रौपदी और कुंती ही शेष बची थी और एक पुत्र उनका परीक्षित, यानी कि किसका पुत्र था, अभिमन्यु का। तो उन्होंने यानी कि युधिष्ठिर के मन का जो दुख था, वेदना थी, पश्चाताप कि मैंने जो है सभी को, हमारे भाइयों ने और पांडवों ने जो है सभी का नाश कर दिया, कितने सैनिक कितने मारे गए, हमारे गुरु पितामह, तो इन सभी को सोच सोच कर वो बहुत ही दुखी था। तो उन्होंने जो है युधिष्ठिर ने वन में जाने का निश्चय कर लिया कि मैं वहाँ जाकर, वन में जाकर जो है अपना पश्चाताप करूँगा। तो पांडवों और द्रौपदी के समझाने पर उनका मन कुछ शांत हुआ और वे शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले, कि जैसे ही वो शासन का सूत्र लेना चाहते थे उससे ही पहले भीष्म पितामह के पास गए। कौन? युधिष्ठिर। जैसे ही उनको शासन देना चाहते थे, यानी कि शासन का जो है सूत्र ग्रहण करने से पहले, पूर्व यानी कि पहले भीष्म पितामह के पास गए और पितामह ने उन्हें धर्म का मार्ग समझाया कि किस तरीके से जो है हमें धर्म पर चलना चाहिए तथा उपदेश दिया, क्योंकि भीष्म पितामह जो है अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे जब तक जो है, क्योंकि उनकी मृत्यु जो थी उनकी अपने ही हाथ में थी, मन इच्छा यानी कि मन की इच्छा से उनकी मृत्यु होने वाली थी जब वे चाहते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से सारा महाभारत का युद्ध देखा है। तो पितामह के पास गए, पितामह ने उन्हें धर्म का मार्ग समझाया तथा उपदेश दिया और धृतराष्ट्र ने भी युधिष्ठिर को सांत्वना दी। जैसे वो दुखी हो रहे थे ना, वेदना यानी कि दुख हो रहा था, तो उनको धीरज बधाया, सांत्वना यानी कि धीरज दिया। तो ये था आपका 38 पाठ जो कि आपकी बाल महाभारत में है,
और अभी तक जो है स्टार्टिंग से एक पार्ट से यानी कि 38 तक का जो है हमने अध्ययन कर लिया है। तो आप जो है सभी बच्चे इसका अध्ययन अवश्य करेंगे, आपको पूरी स्टोरी ये समझ में आ ही गई होगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, सेवन्थ क्लास में हैव अ नाइस डे, टेक केयर।